हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ऐप टेक्नोलॉजी इन हिंदी। आज हम यूट्यूब का जो एक बहुत ही खास एक अपडेट आया हुआ है जो कि जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। यूट्यूब चेक्स क्या होता है ये मैं आपको बताता रहा हूँ, पहले कुछ शॉर्ट में बताऊँगा, फिर मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर इसको आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरा ज़रूर सीख जाइए। तो यूट्यूब चेक्स का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी वीडियो जो पहले आप अपलोड करते थे उसके अंदर ये नहीं दिखाया जाता था कि आपका कॉपीराइट है या नहीं है या कॉपीराइट कितना परसेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, वीडियो जो देख रहे हैं लाइक उसको ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ आपको, वहाँ से आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यूट्यूब चेक्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको क्या बताएगा ये जो अपडेट है, बहुत ही अच्छा है ये अपडेट, क्योंकि इसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे अपलोड करने से पहले ध्यान से सुनिए, अपलोड करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आपका कॉपीराइट है या नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपके वीडियो पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। बट अगर उसमें भी जो अपडेट मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर YouTube ने कहा भी है अगर हम बिल्कुल हम चेक करेंगे जो वीडियो पब्लिश होगी उससे पहले, बट फिर भी अगर इन फ्यूचर अगर कोई मतलब क्लेम आता है तो फिर वो उसके ऊपर वो रिव्यू भी करेंगे। तो लेकिन मैं अभी चेक्स के जो है यूट्यूब चेक्स के ऊपर ही बात करूंगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा आपको दिखाऊंगा कि आपको वो कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करना है, उसमें कहाँ कहाँ चेक करना है आपको, क्या इशू है, इन सब चीज़ों के जितने भी क्वेश्चन आप ये जो पुटअप हो रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ डिटेल्स के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। रिक्वेस्ट का वीडियो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, ताकि उनको भी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी नॉलेज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए इसके अंदर तो सबसे पहले आपको जब कोई भी आप नई वीडियो जब अपलोड करेंगे आप, देखिए जैसे मेरा ये एक वीडियो जिसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें आप देखना कि पहले जो इसके अंदर जो स्टेप्स थे वो कम थे, अब बढ़ गया है। अब क्या बढ़ गया वो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया है वो बता रहा हूँ आपको। देखिए पहले क्या होता था, पहले ये देखिए ये डिटेल्स आपका जो वीडियो की जो डिटेल्स है इसके अंदर आप फिल करते हैं, चाहे टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, टैग्स हो, ये डिटेल्स आ गई वीडियो की, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद वीडियो एलिमेंट्स में क्या था आपका वो मैं आपको इसके अंदर ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है भी मैं आपको करके दिखाऊँगा। अब इसके अंदर ये ऐड हो गया चेक्स क्या होता है, यूट्यूब का यूट्यूब चेक्स क्या होता है, ठीक है। आपको यूट्यूब चेक्स कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं यूट्यूब चेक्स, तो ये जो चीज़ें बढ़ गई। इसके बाद थी क्या कि विजिबिलिटी आपका, मतलब आपका जो पब्लिश होगा तो पब्लिक में दिखाएंगे, अनलिस्टेड या प्राइवेट में, ये था। तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि ये जो YouTube का जो चेक्स है ये क्या एक्चुअल में इसके अंदर बेनिफिट जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा ये जो वीडियो, जैसे मैं नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अब जैसे वीडियो ये हो जाएगा देन इसके बाद मैं यहाँ से जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इसका मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें देखिए आपको एक आ रहा है इसके अंदर, तो एक तो एंड स्क्रीन आ रहा है कि ऐड करने के लिए, एक आपका कार्ड्स ऐड करने के लिए आ रहा है। अगर आपको नहीं पता कि एंड स्क्रीन क्या होता है या ऐड कार्ड्स क्या होता है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट उसमें चेक कर लेंगे, और आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी दे रखा है, या आप डायरेक्टली आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ वीडियो मिल जाएगी आपको, वहाँ आप चेक कर सकते हो। आपको सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर ये जो ऑप्शन है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आज, तो मैं इसमें आपको बताऊँगा। चलिए अब आपको इसके अंदर मैं बताता हूँ नेक्स्ट। तो जब मैंने अभी नेक्स्ट कर दिया है तो आप देखिए इसके अंदर ये जो चेक्स है ये एक नया अपडेट है। इसमें अंदर क्या कह रहा है कि वी विल चेक योर वीडियो फॉर एनी कॉपीराइट इशू। अगर कॉपीराइट इशू है तो वो यहीं चेक करेगा जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तभी। दैट मे रेस्ट्रिक्ट इट्स विजिबिलिटी, अगर कॉपीराइट है तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, विजिबल नहीं करेगा वीडियो आपका। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू फिक्स एनी इशू बिफोर पब्लिशिंग योर वीडियो। तो ये कह रहा है कि आपको एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है क्या, देखिए इसको दोबारा पढ़िए इस लाइन को, देखिए क्या कह रहा है ये कि अपॉर्चुनिटी टू फिक्स एनी इशू, अगर कोई इशू लगता है आपको तो आप यहीं फिक्स कर सकते हैं, ना कि आपको वीडियो पब्लिश करना पड़ेगा, फिर कोई स्ट्राइक देगा आपको या क्लेम करेगा। उससे अच्छा उन्होंने यूट्यूब ने कि आपको यही टूल दे दिया, यही एक एडवांस में आपको ऑप्शन दे दिया, एक यूट्यूब ने आपको
नया अपडेट दे दिया। अब मेरा आप देखिए यहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है नो इशू फाउंड, मतलब ये वीडियो के अंदर कोई भी कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। तो ये एक नया अपडेट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब यूट्यूब क्या चाह रहा है कि आपको जो भी इशू आ रहा था, चाहे वो स्ट्राइक से या क्लेम से, वो चीज़ ही ख़त्म कर दिया यूट्यूब ने। अब आपको सिंपली आप जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वहीं बता दिया जाएगा कि आपके वीडियो के अंदर कुछ इशू है कि नहीं है, कॉपीराइट इशू है तो रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ये सब चीज़ें यही बता दिया इसने, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो उन्होंने बोला कि आप उसको सेंड फीडबैक के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये कह रहा है फिर, रिमेंबर दीज चेक रिजल्ट आर नॉट फाइनल इशू, मे कम अप द फ्यूचर दैट इम्पैक्ट योर वीडियो। फिर भी ये आप अपनी तरफ से एक ये एक अपनी तरफ से ये कह रहा है कि अगर फिर भी इन फ्यूचर किसी भी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक या क्लेम आता है तो फिर वो उसको वो लोग देखेंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है यूट्यूब का, जो कि बहुत सारे इशू आ रहा था कॉपीराइट या क्लेम का, तो इसने कोशिश करी है कि यहीं वो शॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या होगा कि आपको अब इशू नहीं होगा, ये आपको जो बेस्ट ऑप्शन मिल गया है ये यूट्यूब की तरफ से। देखिए नो इशू फाउंड के बाद इसने यहाँ पे एक राइट का क्लिक कर दिया कि हाँ ये वीडियो बिल्कुल करेक्ट है, पब्लिश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिलीव मी ये बहुत ही अच्छा अपडेट है यूट्यूब का। इससे पहले भी कुछ दिन पहले कुछ अपडेट्स आए थे जो लोगों को नहीं पसंद आया था, बट ये अपडेट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपको यही सारी चीज़ें बता दिया कि आपके वीडियो के अंदर कोई इशू है, कॉपीराइट इशू है या नहीं है, तो सब चीज़ें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग यूट्यूब का चैनल चलाते हैं, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए, आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।